हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल है। स्पोकन इंग्लिश के लिए यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी डेली 5 से 6 के बीच में। इंडियाज बर्जियोनिंग होता है बढ़ती हुई एक्सपेंडिंग इंक्रीजिंग डेथ पेनल्टी क्राइसिस। डेथ पेनल्टी जिसको मौत की सजा मिलती है, क्राइसिस आपदा। तो इनका कहना है कि इंडिया में जैसे ये डेथ पेनल्टी का क्राइसिस बढ़ रहा है। और ये लिखा है आर्टिकल लक्ष्मी मेनन ने और स्नेहल धोते ने। ये प्रोजेक्ट 39A अंडर काम करें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में, मतलब ये पढ़ते होंगे। और उन्होंने एक प्रोजेक्ट 39A क्या होता है, 39A आर्टिकल DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर आता है, जिसमें लिखा गया है कि इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए और फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। मतलब सबको, जैसे कोई जिसका कोई वकील नहीं होता उसको गवर्नमेंट वकील प्रोवाइड कराती है, ये इसी आर्टिकल के थ्रू कराती है। आर्टिकल 39A राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इक्वल एंड फ्री लीगल एड। यहाँ पे बात की गई है भाई, मतलब इंडिया में 561 प्रिजनर हैं डेथ रो में, मतलब वो अपना वेट कर रहे हैं, एक पंक्ति में लगे हुए हैं 561 जो अभी प्रिजनर हैं। यहाँ पे और कुछ डाटा दिया हुआ, जैसे एक केस का डिस्कशन किया हुआ है, मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश May 2022। उसमें बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि आपको जितने भी कम से कम डेथ पेनल्टी देनी है, जैसे यहाँ पे बात की गई है हैव फेल टू ट्रिकल डाउन होता है नीचे पहुंचना टू ट्रायल कोर्ट्स फॉर दी सेकेंड ईयर ईयर इन ए रो। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था, मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इनमें कहा था कि आपको जो डेथ पेनल्टी कम से कम देनी है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में देनी है, बट ये कह रहे हैं कि फिर भी 86% जो है डेथ केसेज अब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द अक्यूज। मतलब जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो डेथ रो देनी नहीं है, या मतलब डेथ पेनल्टी देनी नहीं है। बट यहाँ पे जो अक्यूज के खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तभी इन्होंने दी है, जिसे मनोज केस में बताया गया था, ये यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। और थोड़ा सा एक डाटा यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई जैसे एक बंदे का नाम लिया गया है 2023 में जो डेथ रो के अंदर था, येरवड़ा जेल में महाराष्ट्र में सुसाइड कर लिया उसने, 6 साल से उसका केस पेंडिंग था। वो मतलब एक जो प्रिजनर की स्टेट होती है माइंड कि वो हमेशा डरता रहता है, एक फियर ऑफ द लूमिंग फियर उसके ऊपर मंडराता रहता है फियर। तो इसमें जो भी कंटेंट दिया उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में देखेंगे ताकि आप अच्छे से आंसर राइटिंग लिख सकें इस चीज के बारे में। तो क्या क्या इशू है इसमें, देखो इसको ये देखना कि इंडिया डेथ पेनल्टी ये सिस्टम इन अर्जेंट नीड ऑफ रिफॉर्म। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया के जो डेथ रो या इंडिया जो डेथ पेनल्टी सिस्टम में रिफॉर्म की क्या जरूरत है, सुधार की क्या जरूरत है। ये आर्टिकल स्नेहल धोते ने और लक्ष्मी मेनन ने लिखा है, प्रोजेक्ट 39 एंडर, ये लाइट्स डालता है, सेड्स लाइट्स मतलब लाइट डालता है, प्रकाश डालता है, डीपली कंसर्निंग, डीपली मतलब गहरे रूप से चिंता जो दिखाता है स्टेट ऑफ कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया। क्या हालात हैं, स्टेट क्या है हालात कैपिटल पनिशमेंट के, जो डेथ पेनल्टी मिलती है उसको कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं या डेथ पेनल्टी बोलते हैं। ब्रोकन सिस्टम कैसे है, मतलब इंडिया का डेथ पेनल्टी सिस्टम एक ब्रोकन सिस्टम है, टूटा हुआ सिस्टम है। डेथ रो सर्च का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं। सर्च मतलब इकट्ठा हो जाना, सर्च होता है कि किसी चीज़ पे रुकाव लग जाना आगे से, जैसे मान लो पानी चल रहा है टैप में तो सर्च लग जाता है बंद। तो इंडियाज डेथ रो पॉपुलेशन हैज़ हिट ए रिकॉर्ड हाई, तो डेथ रो पॉपुलेशन इंडिया की हिट ए रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया। कितना, 561 प्रिजनर अवेटिंग, वेट कर रहे हैं अवेटिंग एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन होता है उनको फांसी लटकाना, एट द एंड ऑफ द 2023 2023 में 561 आदमी वेट कर रहे थे। अलार्मिंग एक्विटल रेट्स, एक्विटल होता है छोड़ देना, दोष मुक्त कर देना। सुप्रीम कोर्ट एक्विटल ऑफ नियरली 55% ऑफ डेथ रो केसेस इट हर्ड इन 2023। सुप्रीम कोर्ट ने जो केस सुने 2023 में उसमें से 55% केस में उन्होंने एक्विटल दे दिया, छोड़ दिया उनको, दोष मुक्त कर दिया, एक्सपोज करता, ये एक चीज एक्सपोज कर रही है, ये दिखा रही है सीरियस फ्लॉस, जो सीरियस मतलब इसमें कमी है इन द जस्टिस सिस्टम, अपने न्यायिक प्रणाली में, पर्टिकुलर इन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल प्रोसीजर। जो इन्वेस्टिगेशन होता है या फिर ट्रायल होता है उन केस का, जैसे इन्वेस्टिगेशन होता है छानबीन करना, ट्रायल होता है उस चीज़ को उसकी न्याय विवेचना करना, मतलब ये सही है नहीं है, ट्रायल प्रोसीजर में गड़बड़ है या इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ है। फेल्ड रिफॉर्म्स सुधार लिए बट वो चीज़ों को ठीक नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट एफर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट के प्रयास हैं जो टू रिफॉर्म सेंटेंसिंग,
जो डेथ की सजा देने की प्रोसीजर हैव नॉट कास्केड डाउन, कास्केड डाउन कास्केडिंग इफेक्ट होता है, मतलब एक चीज पे इंपैक्ट पड़ जाए तो दूसरे पे पड़ जाए ऑटोमेटिकली। कास्केड डाउन मतलब नीचे तक नहीं जाता, ऊपर जुडिशरी में मनोज के केस में जो डिसीजन आ गया था स्टेट ऑफ एमपी के खिलाफ था वो, तो उसमें मतलब बोल दिया गया था कि आपके एक्यूज के खिलाफ एविडेंस होने चाहिए, बट 89% केसेस में ऐसा होता है कि एक्यूज के खिलाफ एविडेंस नहीं होते, बट फिर भी उसको डेथ पेनल्टी दी जाती थी। तो कैस्केड डाउन टू लोअर कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स में नहीं पहुंच रहा है, लिविंग ए गैप, ये छोड़ दे रहा है गैप को बिटवीन द प्रोनाउंसमेंट, जो जज के मतलब फैसले आते हैं, एंड प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो प्रोनाउंसमेंट कर दी जो मनोज के केस में, बट ये आगे प्रैक्टिस में नहीं आया, कैस्केडिंग डाउन नहीं आया लोअर कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में। सिस्टमेटिक इशू, एक्विटल ऑफन रिवील फैब्रिकेटेड एविडेंस, और आपको पता है कि सेशन कोर्ट डेथ पेनल्टी नहीं दे सकता है, हाई कोर्ट ही दे सकता है। सिस्टमेटिक इशू है सिस्टम में, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन में इशू है। एक्विटल मतलब छोड़ देना, ऑफन प्राय रिवील करता है, दिखाता है फैब्रिकेटेड एविडेंस, जो मतलब बनाए हुए हैं, फैब्रिकेटेड एविडेंस है, सबूत है, मैनिपुलेटेड रिपोर्ट्स, या उसको मैनिपुलेशन किया हुआ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा किया हुआ रिपोर्ट्स को, एंड क्वेश्चनेबल पुलिस इन्वेस्टिगेशन या क्वेश्चनेबल पुलिस इन्वेस्टिगेशन है। ये मतलब ये आदमी को छोड़ दिया जा रहा है तो ये दिख रहा है कि भाई मैनिपुलेटेड रिपोर्ट है, क्वेश्चनेबल पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, या फैब्रिकेटेड एविडेंस है। रेजिंग कंसर्न, ये चिंताओं को उठा रहे हैं अबाउट द एंटायर प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के बारे में चिंता उठा रहे हैं, लीडिंग अप टू द डेथ पेनल्टी, जिससे क्या होता है डेथ पेनल्टी की तरफ बढ़ जाते हैं। बियॉन्ड सेंटेंसिंग रिफॉर्म, मतलब ये पॉइंट सब पॉइंट है कि बियॉन्ड परे सेंटेंसिंग रिफॉर्म, सेंटेंसिंग रिफॉर्म में तो हम करना ही सुधार करना, बट उससे भी कुछ आगे जाके करना है। आर्टिकल आर्ग्यू करता है प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, मतलब एक संविधानिक बेंच होना चाहिए, बेंच मतलब जहाँ पे 4-5 जज हों, 5 हों, 3 हों, 2 हों, ऐसे जज हों, डिवीजन बेंच, 2 जज वाले बेंच को कहते हैं। तो प्रपोज कौन सी संविधानिक बेंच होना चाहिए, फोकसिंग जो फोकस करेगा सोलली ओनली ऑन डेथ पेनल्टी, डेथ पेनल्टी पे ऐसा बेंच होना चाहिए जो स्पेशल वही जज सुनेंगे। सेंटेंसिंग रिफॉर्म मिसेज द मार्क, तो सेंटेंस जो रिफॉर्म करना ही है बट वो उस निशान को मिस कर रहा, छोड़ दे रहा है एक निशान को, मतलब एक बेंच मार्क को, जो भी एक स्टैंडर्ड है उसको। ए मोर कॉम्प्रेंसिव अप्रोच इज नेसेसरी टू एड्रेस द क्राइसिस, बहुत व्यापक रूप पे सोचना पड़ेगा इस एक मतलब इस चीज को सुधारने के लिए, इस क्राइसिस को सुधारने के लिए, एड्रेस होना जो चीज को सोल्व करना आपदा को। पुलिस इन्वेस्टिगेशन, इंश्योरिंग थोरो, थोरो मतलब बिल्कुल कंप्लीटली कॉम्प्रेंसिव एक्सटेंसिव, थोरो अनबायस्ड मतलब बिना किसी भेदभाव के इन्वेस्टिगेशन टू प्रिवेंट, रोकने के लिए फैब्रिकेटेड एविडेंस एंड रॉन्गफुल कन्विक्शन, या गलत जो सजा मिलती है उनको रोकने के लिए ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन थोर होनी चाहिए, और बिना एक मतलब एक तरफा माइंड लेके करनी चाहिए। ट्रायल कोर्ट प्रोसीजर, तो किसी का मतलब विक्टिम है या नहीं उसको ट्रायल बोलते हैं, तो कोर्ट प्रोसीजर क्या होना चाहिए, एम्फेसाइजिंग जोर देना एडहेरेंस, एडहेरेंस होता है पालन करना, टू प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोसीजर का फॉलो करना है। प्रोसीजर क्या होता है, कार्यक्रम मतलब, और प्रोसीजर एक तरीका, मैंडेटेड जो कि मैंडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो कि बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मैंडेटेड या बाध्य किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ड्यूरिंग सेंटेंसिंग टू मिनिमाइजिंग एरर्स, जब मिनिमाइज करनी है एरर, जब कि मौत, डेथ, कैपिटल मतलब कैपिटल पनिशमेंट या जो डेथ पेनल्टी मिलती है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपको पता है, जैसे मैंने डिस्कस किया कि भाई एक येरवाड़ा जेल में बंदा था जिसको 6 साल से वो मतलब वेट कर रहा था अपने एग्जीक्यूशन की, उसने सुसाइड कर लिया, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। रिकॉग्नाइजिंग द डीह्यूमनाइजिंग कंडीशन, मतलब ये मानवता के खिलाफ है कंडीशन है, लास्टिंग साइकोलॉजिकल ट्रोमा, इससे क्या होता है उनको साइकोलॉजिकल ट्रोमा, दुख में झेलते हैं, पेन होता है ट्रोमा, ट्रोमा सेंटर अपने हॉस्पिटल में लिखा दिखा होगा, ट्रोमा मतलब पेन या दुख जो फेस्ड बाई दी डेथ रो प्रिजनर्स, डेथ रो प्रिजनर्स हैं उनके द्वारा ये ट्रोमा फेस किया जाता है। इवन इफ मानो अल्टीमेटली एक्विटेड, तब भी, इवन इफ का मतलब होता है भले ही अल्टीमेटली लास्ट में वो छोड़ दिया जाए, बट उसको जो एक ट्रोमा फेस करना पड़ता है ना, वो दैट इज वेरी डिह्यूमनाइजिंग, मतलब मानवता के खिलाफ हो। द ह्यूमन कॉस्ट मतलब आदमी की कीमत, जैसे द आर्टिकल पोगनेंटली, पोगनेंटली होता बिल्कुल दर्दनाक ढंग से, दर्दनाक ढंग से हाईलाइट करता है द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ ए फ्लॉड सिस्टम, मतलब ये आदमी की कीमत खत्म हो जाती है इस फ्लॉड सिस्टम में, त्रुटिपूर्ण सिस्टम में। डेथ रो प्रिजनर्स लिव अंडर द कॉन्स्टेंट फियर, डर के अंदर रहते हैं एग्जीक्यूशन, मतलब उनको आज सजा होगी कल सजा होगी ऐसे। इंड्योरिंग वायलेंस, वायलेंस झेलते हैं, आइसोलेशन अलग से रहते हैं, मेंटल एंग्विश, और मेंटल एक मतलब चिढ़ हो जाती है उनको, एंग्विश हो जाती है। दिस एक्सपीरियंसिस लीव डीप स्कार्स, जो ये एक्सपीरियंस आते हैं इनको लीव छोड़ देता है, डीप स्कार्स मतलब गहरी जैसे क्रोंचे छोड़ देता है। इवन फॉर दोज
फॉर्चुनेट इनफ टू एक्विटेड, मतलब उनको छोड़ भी जाता था, फॉर्चुनेट इनफ मतलब वो भाग्यशाली है कि वो इनफ टू बी एक्विटेड, मतलब उनको छोड़ जाता था, टू बी एक्विटेड बाय द अथॉरिटी है, ये पैसिव फॉर्म है, तो अगर उनको एक्विटेड कर दिया जाता है तब भी उनको एक डीप स्कार छोड़ देता है उनकी साइकोलॉजिकल ऑर्डर पे, कॉल फॉर री इवेल्युएशन, मतलब ये आर्टिकल बोल रहा है कि भाई ये दोनों बोल रहे हैं कि री इवेल्युएट करना चाहिए, दोबारा से जांचना चाहिए, राइजिंग नंबर ऑफ एक्विटल अंडर स्कोर्स, आपको पता मैंने बताया था डाटा कि भाई लगभग 55% केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा डेथ पेनल्टी में होते हैं बट 55% केस छोड़ दिए जाते हैं, अंडर स्कोर जोर देता है कि इनहेरेंट रिस्क मतलब इसमें समाहित है पुराने टाइम से रिस्क ऑफ एरर्स इन कैपिटल पनिशमेंट, आर्टिकल आर्ग्यू करता है ब्रॉडर रीएलिवेशन ऑफ द इंडिया डेथ पेनल्टी सिस्टम मूविंग बियॉन्ड ए नैरो फोकस ऑन सेंटेंसिंग रिफॉर्म, मतलब जल्दी सजा नहीं देनी बट सेंटेंसिंग रिफॉर्म उससे भी आगे जाना है, इट एम्फेसाइज द नीड फॉर एड्रेस सिस्टमेटिक फ्लोज अक्रॉस द इंटायर क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस इन डेथ पेनल्टी केसेस, डेथ पेनल्टी केसेस का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाओ वो डिस्कस करेंगे, और अक्यूज के खिलाफ जो मनोज केस में बताया गया था लगभग केस एविडेंस होने चाहिए, बिना मतलब जस्ट एस्टिमेशन पे सजा नहीं मिलनी चाहिए, और डेथ रो जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, और उनके जो ह्यूमैनिटी को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, फ्रॉम इंस्टीट्यूशन इनकार्सरेशन, इनकार्सरेशन होता है हत्या करना किसकी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनकार्सरेशन टू इंश्योर दैट मोर जस्ट एंड ह्यूमेन लीगल सिस्टम होना चाहिए, ह्यूमेन मानवता के साथ होना चाहिए, तो इन्होंने ये आर्टिकल लिखा, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आज के लिए इतना ही, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो, थैंक यू वेरी मच, बाय।